Bueno, y... Action. ¡Más! कट इट उधर से मिला ना ये तो कौन से पाने वाला दीदी अरे मैं जानता हूं ऐसे बहादुर का काम मैं कभी नहीं कर सकती थी पहुंची एक मिनट अगर आप इनाम नहीं देना आप लोग मत दीजिए पैसा खटिया इल्जाम मत लगाओ हमारे पे छूट अरे छूट गए मैं तो इसे देवांशी मैंने सुना है कि तुम सिर्फ सच बोलती सच क्या है तुम्हारे मुंह से सुना था बताओ सच क्या है राजी सच ये है कि मैंने खुद अपने हाथों में गुबार लिया ताकि मैं उसे खींच के सॉरी सर राजी सच ये है कि मैंने खुद अपने हाथों में गुबार लिया ताकि उसे खींच के मैं बॉक्स को टूट कर जैसे ही मैंने अपने हाथ में गुबाया दिया वो मुझे जोर का शौक लगा अब मुझे सच में ये नहीं पता है कि मेरे वायर खींचने से बॉम्ब डिफ्यूज हुआ है मैंने बोला उसी वजह से हुआ देवांशी उस बॉम्ब को तुमने डिफ्यूज किया था सर पवन हम और सर एक्शन पवन का क्यों लेकिन देवांशी उसी वजह से हुआ उस बॉम्ब को तुमने डिफ्यूज किया है सर पवन हमें से किसी ने देखा तो नहीं मैं आजी को सब जाना था ये था कि माया जी को जो सच जान अरे मैंने तो अच्छा अम्मी जी मुझे केएस को क्या करूं मैं टर्न कर जाऊं पूरा मैंने एक दो लाइन में उनको पूरा तो ना आप ये इनाम देवांशी नहीं दे दो अब मैंने सब पैसे का लालच नहीं करे ऐसे और मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभाए से जो सच से कि तार मैंने ही खींचा था तो आने वाला झूठ अरे झूठ बोल रही हो मायने वाला कौन एक मिनट तुम रुको मैंने फैसला कर लिया मैंने फैसला कर लिया है मैंने दोनों की बातें सुनी और दोनों के पास ही कोई सबूत नहीं है मैंने दोनों की बातें सुनी
और दोनों के पास ही कोई सबूत नहीं, इसीलिए मैं ये इनाम कुसुम सुंदरी को ही दूंगी। हरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आपने तो मेरी किस्मत ही पलट दी, दिल जीत लिया से आपने। बोलो क्या तब तक धूपी भी आया, अरे चाँद से ग्रहण लग गया थे, अरे मरने लग गए थे, उसी के कारण ऐसा हवा तूफान चलने लग गई है। अरे कई बरसों बाद लगा से ऐसे ग्रहण, ऐसे ग्रहण किसी भी तरह से शुभ नहीं होते। ये और ये धूल, ये देखा कुछ दिखाई नहीं देने लगा, धूल उड़ने लगी सब। ये और ये फिर से फ्लैश, ये और ये दरवाजे पे एक हल्की लुक गई, शायद कोई आया, ये बट क्लियर नहीं दिख रहा कौन है, कौन है, कौन है ये। और देखा ये कोई आया, हाँ पवन ने बोला माया दीदी आप, पवन कहाँ सर, हाँ इधर ही, इधर ही ना, आपके माया दीदी आप यहाँ, सॉरी रेडी सर, हाँ माया दीदी आप यहाँ। और ये चल के गया उनके पास, टच हुए, हग किया। ये देवांशी, यही है माया दीदी जिनके बारे में मैं तुमको बताया करता था, यही है वो। इन्होंने मुझे एक माँ की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। अरे माँ नहीं बल्कि माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया ने उन्होंने, अगर ये ना होती तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने ही होता। बस यूँ समझ लो कि मेरे लिए पूरी दुनिया एक तरफ और माया दीदी एक तरफ, भगवान से बढ़ के लिए है मेरे लिए माया दीदी। अरे पूजा करता हूँ मैं इनकी तो उन्होंने, अरे बस कर पवन, अरे बहन अपने भाई का ध्यान रखेगी तो कौन रखेगा, अब भाई की जान तो बचाना बहन का फर्ज बनता है ना। हाँ सब याद है मुझे दीदी, एक एक दिन याद है, एक एक पल, इतनी गरीबी में कैसे बिताए हम लोग। और इतने में कलर फेंका कल की, ये अभी मत ऑब्जर्व करो, बोलता हूँ मैं तुमको, अभी सिर्फ देखो यहाँ हवा क्यों चलने लगा, ये ऊपर देखना, ये देखा, ये यहाँ पे बाजू में यहाँ भूखी अंकल आए, देखा है कुछ बोल रहे हैं, अरे तो ग्रहण लगाए कई सालों बाद लगा, ये अब शगुन होता है, ये पूरा टर्न हो जाओ, टर्न हो जाओ, ऐसे घूम जाओ बेटा, राइट टर्न, राइट टर्न, अभी हाँ देखो भूखी अंकल, देखो बस ये देखो भूखी अंकल यहाँ से बोल रहे हैं, अरे ये तो अब शगुन होता है, ये देखो बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ से बोला कुछ, यहाँ से बोला और तुम्हारा लुक गया, दरवाजा खुला, ये और देखो तुम्हारी रंगोली, और ये देखा रंगोली पे किसी ने पैर रखा, खुला और ये खुला, पर इधर, और ये बाजू में तुमने देखा तुम्हारा नींबू मिर्च जल गया, स्लॉप बेटा, रंगोली इधर है, रंगोली इधर है, हाँ ये रंगोली को देख रही हो तो, और ऊपर देखा वो औरत अंदर बढ़ रही है, और ये
दीदी अंदर आई खड़ी हुई औरत और की। ये इधर उधर देखो, हवा रुकी, ऊपर देखो सब रुक गया, इधर उधर देखो थोड़ा ऊपर देखो। तो कुड़कुड़ आंटी ने पहले ही बम डिफ्यूज क्यों नहीं कर दिया? रास्ता तो दीवानशी थी। कल के लिए कुछ लेके परेशानी चल रही, तो क्या बोलना चाहिए सीन पर? कल की को बुखार आ गया है अचानक, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ। एंड एनी विच वेज इतने कुछ दिनों में उसके साथ इतनी बॉन्डिंग हो गई है, इतना अच्छा लगता है उसके साथ, तो ऑब्वियसली उसको कुछ होता है तो बुरा लगता है। एंड एक्चुअली सोच इस बात के लिए रही हूँ कि अभी तक एकदम ठीक है, एंड सडनली कैसे उसको बुखार आ गया। दिस इज़ अ मेजर पॉइंट। घर में शायद कुछ कुछ गलत फहमी है कि चोरी हुई है, जब भी इसलिए कुछ चीज बुखार चल रही है। क्या 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 कुसुम का जो सीन था वहाँ पर चोरी हुई, मेरे को उसका नहीं पता है, उसका नहीं कुछ। अच्छा बॉम्ब को लेकर कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, बॉम्ब क्या है, बॉम्ब की मिस्ट्री क्या है यहाँ? हाँ, तो ये था कुसुम सुंदरी जैसे जेल में किसी टेररिस्ट से मिली थी, तो उसने बोला था उससे कि तुम इस गांव में बॉम्ब ब्लास्ट करवाना, तो वो आई थी। बट लकीली बॉम्ब डिफ्यूज़ कर देती हूँ मैं। और यहाँ पर एक्चुअली बात इस बात के लिए चल रही है कि गवर्नमेंट पैसे दे रही है उसको जिसने बॉम्ब डिफ्यूज़ किया है, तो वो मैंने किया है, बट उसका कोई विटनेस नहीं था। ये सो बेसिकली मैंने किया है, उसके बावजूद कुसुम सिंधी को 50 लाख रुपए मिल जाते हैं। सो और उसके बाद वो मुझे एक ओपन धमकी देती है कि अब तो मेरे पास पैसे आ गए, मेरे पास पावर तो एनी विच वेज है, तो अब देख मैं कैसे सब तबाह करती हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने पावर की बात की, तो यहाँ पर हम आजकल देख रहे हैं शो में कुछ ज़्यादा ही अलग अलग तरह के पावर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कुछ एक किताब है जिसको लेकर कुछ पावर का कुछ खेल दिख रहा है हमें, या फिर कुछ अलग काला जादू टाइप कुछ दिख रहा है, ये सब क्या चल रहा है दीवानशी? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, मेरे भी वही क्वेश्चन ऊपर आ रहा था, तुमने पता। अच्छा ओके, आगे क्या कुछ ड्रामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है आगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी जो शॉकिंग होगी आप लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर आई होप कि आप सबको अच्छी लगे। या दैट्स इट, थैंक यू।